पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही सरकार ने ये दावा किया था कि प्रदेश में एंटी भूमाफिया सेल बनाकर गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले भूमाफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमीन मुक्त कराई जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दूसरा ही मामला सामने आया है। यहाँ कुंदरगी थाना क्षेत्र में रहने वाली जैनब बेगम का आरोप है कि उनके परिजन द्वारा खरीदी गई जमीन पर खुद को भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी के करीबी व पारिवारिक सदस्य बताने वाले लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस भी उनका साथ देती है और आए दिन गरीब लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित लोग हर जगह शिकायत कर चुके हैं, उन्हें कहीं न्याय नहीं मिल रहा। आरोप है कि खुद को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रिश्तेदार बताने वाले लोगों ने जबरन उनकी जमीनों पर अपना गेट लगा दिया है और अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है। आरोप लगाने वाले ये दावा भी कर रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्व भी खुद को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की भाभी बताने वाली मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली महिला की भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने की ऑडियो वायरल हो चुकी है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक सपा बसपा की सरकार में ये लोग कभी पास नहीं आए, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से ये लोग दबंगई पर उतर गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसका पालन कराया जा रहा है। इस मामले में दोनों ही पक्षों को समझा दिया है, कोई भी न्यायालय के आदेश के बिना विवादित स्थल पर निर्णय न कराए। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि कम से कम 20 साल हो गए इस जगह पर, बयानामे को भी आप तारीख पढ़ सकती हैं उसमें, और आप 5 तारीख देख लीजिए। 5 तारीख जो बयानामे मुकम्मल है, बहुत अच्छे हैं, बयानामे है 52, उस पर ये लोग शिया लोग जो है नकवी जो है उसके ऊपर भी कुदा कुदा के मारते हैं। उस दिन हम लोग आए, हमें मारा, मेरे बच्चों को मारा, थाने पकड़वा के ले रहा, एक रात बंद रखा और मेरी कमर में दो से हमारा पीछे से, और गंदी गाली हो कि हम कलम से तो लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते, हमारा काम नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो हम क्या नाम है उससे लड़ने, लड़कियों से ये लोग लड़ने लेके आते हैं, चाकू लेके आते हैं, सब्बल लेके आते हैं, हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। और आप अभी भी मेरा दिल देखिए, मेरा दिल काम नहीं कर रहा अभी। पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? जी की। अच्छा, तो क्या कार्रवाई हुई पुलिस? कार्रवाई बस वो यही होता है, कहना मैं पुलिस आती है और बस खाया पिया उन लोगों से चली गई। तो किसी की धमकी देते हैं? देते हैं, मार देंगे, गोली मार देंगे। ये मामला ऐसा, ये लोग असल में इस बस्ती वालों को परेशान करते हैं। इन लोगों ने अपनी जगह खुद बेची, बेनामे की है, अब इन्होंने देखा कि जगह की कीमत बढ़ चुकी है, तो अब लोगों की नियत खराब हो रही है। और दूसरी बात यह है, अब्बास नकवी जो मोदी जी के साथ में पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लोग उनकी धमकियां देते हैं, वो इनके भाई के साड़ू लगते हैं रिलेशन में। तो अब ये लोग जिस घर पर ताला लगा हुआ देखा या कोई खाली जगह देखी, प्लॉट पड़ा हुआ देखा, उस पर रात ही रात में ये गेट लाकर लगा देते हैं और ताले लगा देते हैं, कहते हैं जो कुछ करा जाए वो कर लो, पुलिस हमारी है, मोदी जी हमारे हैं और बीजेपी की सरकार है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर, हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इससे पहले पुलिस में कंप्लेंट किया आपने? जी सर, बहुत बार की है, पुलिस आती है, ये लोग उन्हें खिला पिलाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आज 12 लाख रुपए गए हैं, आज 8 लाख रुपए गए हैं, पुलिस को कुछ नहीं होना है। अभी कितने प्लॉट पर कब्जा कर दिया है? दो प्लॉट पे, एक में कवर बना ली 350 मीटर। जी, इन्होंने रात ही रात में अपने गेट लगा दिए लोहे के, हमारे लकड़ी के गेट उखाड़ के फेंक दिए। तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी आपने? की सर, बहुत बार जाते हैं, पुलिस भी कुछ नहीं करती, पुलिस वाले आते हैं हमारी बात सुनते हैं, सुनने के बाद में इग्नोर कर देते हैं। शमीम, क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर, ये 12 बजे इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों को जगह दी। जब प्रॉपर्टी डीलरों को जगह बेचने के लिए इन्होंने अथॉरिटी दी पूरी, अथॉरिटी देने के बाद इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों ने क्या करा, बेच के जब इन्होंने अथॉरिटी दे दी पूरी तो उन्होंने बेची, इन्हें पेमेंट नहीं करा, उन्होंने कुछ पेमेंट उनके ऊपर नहीं। तो ये 12 बीघे में करीब 51 प्लाट हैं सर, 51 प्लाटों में क्या है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। किसी मालदार के प्लाट पे कब्जा करके देखें, जब बताया जाएगा इन्हें, बेचारे जो गरीब लोग हैं ना, छोटे तबके के लोग हैं,
उन्हें परेशान करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि मतलब इनकी सरकार इस टाइम, ये कहते हैं हमारी बीजेपी की सरकार है, वो समाजवादी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में धोरे नहीं आए सर, ये समाजवादी की सरकार में ये धोरे नहीं आए, और बीएसपी की, जबकि बीजेपी लगी तो 3 साल गुजर गए, कोई इनसे कुछ नहीं हुआ, अब लास्ट में आके इनका मुख्तार नकवी है कोई, इनका एमएलए जो भी है वो उसकी सपोर्ट लेके परेशान गरीब आदमी को कर रहा है, ये किसी मालदार के प्लाट पर कब्जा करके देखें तो हम इनकी दबंगगिरी देखें, प्लाट मेरा भी है इसमें करके देखें, जब हम बताएंगे ना कितनी ताकत है इनके अंदर, गरीबों को परेशान कर, बस गरीब लोगों को बेचारे जिनके 60-60 गज के, 150-150 गज के, 50 गज का प्लाट है उन पर कब्जा कर देते हैं, रात में धमका देते हैं, ये प्रॉब्लम है सर। अच्छा, अब यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ भी चाहते हैं सर, कोर्ट, पहली बात तो कोर्ट में मामला, जब कोर्ट में मामला आया तो ये बहन जो उल्टे सीधे कब्जे क्यों कर रहे हैं ये लोग, भाई कम से कम, हाँ ऊपर से इनके ऊपर क्या नाम है ना, सपोर्ट अच्छी मिली हुई है, बीजेपी में खुल्ला गुंडाई हो रही है सर, खुल्ला गुंडाई। शाना, क्या मामला है, किस बात पे विवाद है? अरे हमने ये प्लॉट लिए थे, प्लॉट लेके जब लोग ये आए नहीं मालिक, और उसके बाद में अब ये झगड़ा डालते हैं, फिर मुकदमा कर दिया, अब मुकदमा करने के बाद स्टे के तौर, स्टे भी खुद लेके आए हैं और लोगों के मकानों में ताले भी खुद डाल रहे हैं, अब इस बात से हम बहुत लोग परेशान हैं, पूरे 52 बैनामे हैं, हाई कोर्ट का स्टे है और 52 बैनामे है हमारे, लेकिन ये बैनामों को वो बताते हैं फर्जी, ये बैनामे फर्जी है। जबरदस्ती कब्जा कर लिया? हाँ जबरदस्ती कब्जा कर लिया, अगर हमने कब्जा कराया तो हमें निकाल दो, लेकिन हमारे ये साबित तो करो कि हमारे बैनामे फर्जी है। जी काफी बार करी है ये, अगर हम एक ईंट भी लगाएं तो ये फौरन पुलिस बुला लेते हैं, और खुद चाहे कुछ